मुझे उसी टाइम दिखा दी थी जब बनाई थी और मेरे बलात्कार करने के बाद तभी दिखा दी थी। देखी आपने वीडियो? जी। किसके पास है वो वीडियो? वो टिंकू के पास और उसके साथ ही हरिंदर दोनों के पास है। आपने अपने परिवार को बताया घटना ये? इस घटना का उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने अपने तूने किसी भी बाहर या अपने परिवार को बताई तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर देंगे और कह रहे तू पूरे समाज में कहीं भी बूढ़ी दिखाने लायक नहीं रहेगी और इस मॉल पर जाएंगे तो तुम खुद की तो खुद आत्महत्या करेगी। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, किस लिए आए, क्या है पूरा मामला? मेरे साथ दो लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया है जिसमें एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम उसके साथ ही हरिंदर है। मैं इन चार हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ और उन्होंने मुझे रजिस्टरों के काम के बारे में ऊपर बुलाया और टिंकू ने पीछे से आके मेरा मुंह बीचा और मेरे दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए और पैर मार के मुझे नीचे गिरा के हरिंदर ने मेरे कपड़े उतार कर मेरा बारी बारी तो उन्होंने मिलकर मेरा बलात्कार किया और मुझे मेरी असली गंदी वीडियो बनाई और कहा कि अगर मैंने किसी से भी बाहर जाके बताया तो मेरे परिवार वालों को ये सारी वीडियो दिखा के वायरल कर देगा और मेरे बच्चों को और मेरे पति को मारने की धमकी दी। पर दिना दिन वो मुझे कभी कहीं मुझे भी नहीं पता नशे या नींद की गोलियाँ खिलाकर मुझे होटल बता दी कहाँ कहाँ लेकर जाते थे और मेरे साथ बलात्कार करते थे और मेरे को जब मैं क्या नाम मैंने हॉस्पिटल छोड़ने को कहा तो मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने हॉस्पिटल भी छोड़ा तो भी मेरे बच्चे परिवार सबको मार दिया जाएगा। बहुत उम्मीद के साथ क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर? वो दोनों भी वहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पर ही कार्य करते हैं और मैंने ये अपनी सारी दुर्घटना थाना करकोदा में बताई तो उन लोगों ने मेरी इस घटना पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी को चलते मैं यहाँ पर एसएसपी सर के पास आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिले और बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा किसी के साथ वो दरिंदे ना करे। आप पहले भी आए एसएसपी? मैं जी सर, मैं कल भी एसएसपी सर के पास आई थी और क्या बोलते हैं वहाँ पर उन लोगों ने पता नहीं क्या कर रखा है कि वो लोग वहाँ से फरार और पकड़े नहीं जा रहे। मुकदमा लिखा है आपका? नहीं सर, उन लोगों ने वह मुकदमा नहीं चढ़ने दिया, ये मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया है, पैसे भरे हैं या क्या किया है, लेकिन उन लोगों ने मेरा भी मुकदमा नहीं चढ़ाया। खरखौदा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज में नर्स है उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ दो लोगों ने गलत कार्य किया है और इसमें वे छानबीन की जा रही है। कुछ इनके बीच पैसे के लेन देन का और एक दूसरे के घर आने जाने का भी मामला जानकारी में आया है। पूरी छानबीन की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।